अरे 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 यार घर में सिमट के रह जाएगा सारा प्यार, हाँ बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। मैं मैरिड हूँ। मैरिड हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप मुझे दिक्कत है यार, क्या दिक्कत आपको यार? आई एम मैरिड, मेरा पति, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, तो मैं आपको चांस क्यों दूँ? मैं चाहता हूँ, देखो प्यार को बांटना चाहिए इंसान को। हाय कैसे हो? हम ठीक हैं, बताइए। मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, सॉरी उसके लिए। हाँ हम ठीक हैं, आप कैसे हैं बताइए यार। आप कौन? मेरा नाम बसंत है और मैं हरियाणा से आया हूँ। ओके। और आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ तो क्या मैं थोड़ा सा उस साइड खिसको ना प्लीज़, ये बैकअप कर कर इधर ही बैठना, उधर जगह है, थोड़ा सा हो जाओ ना प्लीज़ यार, आपके नज़दीक आना। अच्छा हाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ पता है। मैडम कैसी हूँ? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। भाभी जी बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल भाभी जी बोल सकते हो। काफ़ी अच्छे हो यार। थैंक यू। आपको काफ़ी देर से देख रहा था मैं। क्यों? बहुत क्यूट हो ना। ओके थैंक यू। क्या नाम आपका? सिमरन। ओ माय गॉड, सिमरन नाम है? सिमरन मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था जो मुझे छोड़ के जा चुकी 4 साल पहले। लेकिन मैं हूँ सिमरन। पक्का? हाँ। छोड़ के नहीं जाओगे ना? ये आपको क्यों छोड़ के? हाँ वही, मैं आपको क्यों छोड़ के जाऊँगी? एक्चुअली वो तो आपकी गर्लफ्रेंड थी और मैं तो आपको जानती भी नहीं। नाम तो आपका भी सिमरन है ना, मतलब कितने सारे लोग हुए कि सेम नाम के, तो मतलब सब सिमरन तो बहुत मिलेंगे। सिमरन तो बहुत मिलेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। सोनम मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। हाँ हाँ कुछ भी। अरे नहीं सच में भाई, सीरियसली मैं आ सकता हूँ आपके पास? थोड़ा आप मुझे अच्छे लगे यार, हमारी बात बन सकती है क्या? पर हमारी बात बनाने क्यों है? बनाने की काफ़ी अच्छे हो यार, बोला तो आप दिल के अच्छे हो यार, मुझे आप काफ़ी पसंद हो यार, काफ़ी टाइम से आपको देख रहा था यार, इस धरती पे चांद आया है। रियली? हाँ मैं आपको चांद लगती हूँ। बहुत ज़्यादा क्यूट, चांद सितारे सब कुछ, मतलब ज़मीन पे आ गए आज तो। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ यार, इसमें थैंक यू की बात नहीं है, देखो मैं दिल से पसंद करता हूँ। लेकिन अभी तो हम मिले, आपको इतनी जल्दी में पसंद भी आ गए? अरे यार मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ आप लोगों को, काफ़ी मतलब नोटिस करता था, आज थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा ना, मतलब क्या बोलते उसको, हाँ मतलब बोल नहीं पा रहा था यार, आज मैंने बोल दिया यार, प्लीज़ बुरा मत मानना। हाँ क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? प्यार करता हूँ सिर्फ। इसके अलावा क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस खुश रखता हूँ सबको। कमाने के लिए क्या करते हैं? क्या कमाते हैं? कैसे? लड़की पटाता हूँ। खाते कैसे? मतलब पैसे कहाँ से लेके आते हैं? पैसे कहाँ से लेके आता हूँ? कोई तो सोर्स होगा आपका इनकम का। इनकम सोर्स क्या है? इनकम सोर्स जरूरत नहीं है, लड़की ऐसी जो खर्चा करती हो। फालतू मतलब इधर उधर ध्यान नहीं भटकाता मैं, मतलब फालतू में टाइम इन्वेस्टमेंट वहीं करता हूँ। मतलब आप ये सब पे ट्राई करते हो जो हम? नहीं आज नहीं, भाभी पे आज पहली बार ट्राई किया मैंने। अच्छा नहीं, आप तो मेरी बहन पे भी ट्राई करो। अच्छा बहन है क्या वो? एज कितनी मैडम? 23। ओ माय, 23 वैसे लगती नहीं है सच में, काफ़ी क्यूट है, पसंद आ गई मुझे। हाँ तो ये भी पसंद आ गई है, मैं भी पसंद आ गई हूँ आपको, हम दोनों पसंद आ गए हैं। मुझे ना पसंद नहीं है कुछ भी संसार में, मैं सबको अच्छा पसंद करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। फ्लर्टिंग कर रहा हूँ? अरे मैडम फ्लर्टिंग क्या होता है, मुझे इस वर्ड मैंने वर्ड ही आज सुना है, मैं नहीं करता ये सब। बेसिकली आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन देखो मैं मैरिड हूँ। मैरिड हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मुझे दिक्कत है यार, क्या दिक्कत आपको यार? आई एम मैरिड, मेरा पति, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, तो मैं आपको चांस क्यों दूँ? मैं चाहता हूँ, देखो प्यार को बांटना चाहिए इंसान को। सीरियसली? अरे हाँ देखो पता है, खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ मिलेगी, देखो सब सब देखो प्यार हमें सबसे करना चाहिए, समझ रहे हो? नाम क्या आपका? किसे क्यों नहीं करते हाँ। यार ये किसे पागल, फिर बाकी लोग बुरा मान जाएंगे ना। आप तो सीधा सीधा फ्लर्ट कर रहे हो। अरे मतलब यार आपको हम पसंद नहीं है तो फ्लर्ट कर रहे हो यार? पसंद यार देखो मैं, मैंने बोला ना मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबको खुश रखता हूँ। सबको मत करो ना, किसी एक को करो ना। अरे यार किसी एक को ना हजम नहीं होता वो सब। अच्छा जी। नहीं लेकिन मेरी नज़र में ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, शी इज़ माई गुड सिस्टर, बट अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसको प्यार करोगे, इसको खुश रखोगे, तो मैं
सकते हो आपसे बात करने के लिए। क्या बात करने के लिए बोलोगे? मुझे आप में इंटरेस्ट है, पर आपको मुझ में इंटरेस्ट क्यों है? पर यार आप काफ़ी क्यूट हो, काफ़ी इनोसेंट हो, काफ़ी बच्चे हो, बिल्कुल देखो ना कितने प्यारे हो। लेकिन मैं अभी इस एज में आके आपके साथ, क्या एज आपकी? जो भी है, लड़कियों से एज नहीं पूछते, लेकिन मैं आपसे इस एज में आके ये सब नहीं सोच सकती। क्यों यार ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो आपने भी इस धरती पर जन्म लिया है, क्या लेके जाओगे? सब कुछ मोह माया, सब कुछ यहीं रह जाएगा यार, समझो बात को। हाँ लेकिन आप, आपको तो कोई भी मिल जाएगी ना। अरे यार आप इतने हैंडसम हो, क्यूट हो, गुड लुकिंग हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगी। यार शी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अरे यार सिखाओ कुछ अपनी बहन को। नाम बसंत है मेरा, आपका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन बताया था आपने मेरे को, काफ़ी भूल जाता हूँ थोड़ा दिमाग। पक्का? हाँ जी। यार थैंक यू सो मच यार, आप कितने कितने प्यारे हो यार। सच में आपसे बहुत प्यार करूँगा मैं। यार कोई दिक्कत नहीं होती, प्यार को बांटना चाहिए। मैंने बोला आप दूसरे कृष्ण का नहीं आए, आपको गोपियां चाहिए आसपास। वेरी फनी। नहीं यार देखो गलत मत सोचना प्लीज। आप नहीं चाहते तुम्हारी बहन खुश हो? आप नहीं चाहते तुम्हारी बहन को खुशियाँ मिले? आप उसको और ज्यादा खुश नहीं देखना चाहते? नहीं देखना चाहते थे? उससे क्या थोड़ी हो जाएगी? मैं खुश हूँ। मैं I'm happily married। यार फिर देखो क्या करते हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड कोई मैडम सिंगल है क्यों? या शी इज सिंगल। क्यों? हम जैसा मिला नहीं ना कोई इसको। कैसे मिला? आज तक तो कोई मिला ही नहीं मेरे जैसा। नहीं जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड कहूं। यार हमें कह लो, मैंने मना नहीं किया, कसम से मैं बहुत करता दूंगा तुम पे। अच्छा कभी कभी तुम कर देना। किसने कहा खर्चे आ रहे हैं? अरे यार मैं खूब खुश करूँगा ना तेरे को, खुश रखूँगा ना, मतलब तुम्हारी बहन को भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी बहन भी खुश, मतलब खुश रहेगी। यार देखो पता है मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा कुछ भी। अगर मेरी बहन खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? लेकिन आप दूसरों से फ्लर्ट नहीं कर सकते, उसके बाद आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते, आप उसको अच्छे से रखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मतलब ऐसा मत बोलो यार, घोर नहीं हो जाएगा हम पे यार। अब आपको इतने क्यूट रिश्ता मैं करवा के दे रही हूँ तो मतलब पता, देखो तुम्हारी बहन सिमरन, हाथ दो मेरे को यार, हाथ मत जाने दो अपने हाथ से। अच्छा हाँ पछताए नहीं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत कर, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए इंसान को। कहाँ से आए हो? यही मुंबई से। यही मुंबई से? फिर पागल समझ नहीं पा रहा, तो मतलब बोलते ना जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है तो इंसान का दिमाग भटक जाता है। एक ही दिन में आप दोनों बहनों को अप्रोच कर रहे हो? अरे नहीं तुम्हारी बहन तो काफी अच्छी है यार, मैं तो थोड़ा सा मतलब तारीफ कर रहा था यार मैडम की, काफी प्यार भी करता हूँ मैडम से। प्यार मुझसे करते हो या मेरी बहन से करते हो? पता है यार क्या नहीं कर... तो दोनों तरफ बोल रहे हो, तू नहीं तो तू सही, तू नहीं तो तू सही है यार है? देखो पता है क्या बात है, सुनो मेरी बात सुनो, नहीं लड्डू नहीं फूट रहे, मेरी बात तो सुनो। मैं पता है मतलब दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख रहा, समझो बात को। बस पता है मैं चाहता हूँ प्यार को बांटना चाहता हूँ, मैं प्यार को सिर्फ एक जगह से मिट के नहीं रखना चाहता यार, प्रॉब्लम ये है। लेकिन जब मैं आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, एक इतना अच्छा रिश्ता दे रही हूँ, खूबसूरत बहन है मेरी, तो फिर आपको हर जगह फ्लर्ट क्यों करनी है? नहीं फ्लर्ट कहाँ कर रहा हूँ बताना, कहीं ना कहीं आपको एक मैच्योर लेवल पे आना पड़ेगा ना यार। मतलब कहना क्या चाहती हूँ मैं समझ नहीं पा रहा। मैं कहना चाहती हूँ कि आप उसको कभी धोखा ना दो, अगर आप उसको पसंद कर रहे हो अभी, अगर मैं उसका हाथ आपके हाथ में देती हूँ तो आप उसको पहले उसको मोबाइल नंबर दिला दो, खत्म बात करो, बाद में बात सोचना ना। अरे लेकिन पहले हमारी बात तो हो जाए। हाँ क्या बात? हाँ तो अभी से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे। अरे मैं चाहता हूँ पता है, इंसान को ना भागना चाहिए, आज की रेस में जो धीरे चलेगा वो पीछे रह जाएगा। हाँ लेकिन आप पहले मुझे प्रॉमिस तो करो, मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ, आप उसको कभी चीट नहीं करोगे? नहीं चीट तो नहीं करूँगा यार, हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा फेस पे स्माइल रखूँगा, आँखों में नशा रखूँगा। आप रहते कहाँ? नशा रखूँगा। हाँ आपके दिल में? मेरे दिल में रहते हो या उसके दिल में रहते हो? अभी ये डिसाइड नहीं किया मैंने, मेरा ठिकाना नहीं कोई। तो आपको कहीं ना एक पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ना। देखो अब ये एज ऐसी नहीं है कि आप हर जगह फ्लर्ट करो, हर जगह मुँह मारो, आपको कहीं ना कहीं एक जगह दिल से प्यार करना चाहिए ना किसी से। यार मैं दिल से प्यार कर लूँ पर हजम तो नहीं होगा। प्यार के बाद आपको शादी के बारे में भी सोचना है, बच्चों के बारे में भी सोचना है। उसके बाद घर गृहस्थी आगे बढ़ानी है। उसके बाद क्या? बस चले जाना, छोड़ दिए सब। हाँ तो यही लाइफ है, हर कोई यही कर रहा है।
फिर क्या फायदा इस धरती पे आने का यार? तो आप क्या सोच रहे हो, आप सबके साथ करोगे? आपको सबके साथ फ्लर्ट करनी है? मैं चाहता हूँ यार सबके साथ खुशियाँ बांटूं, सबको प्यार दूं, प्यार लूं, मतलब सब, मतलब कोई नहीं। फिर मैं अपनी बहन को यार ऐसे मत, नहीं दे सकती यार। देखो मैंने गलत, अरे रुक जा यार, बात तो सुन यार। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आपको हर जगह खुशियाँ बांटनी है। अरे मतलब खुशियाँ यार, मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आपको चीट करना है तो फिर मेरी बहन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सॉरी यार, अब चीट, मैं चीट नहीं करूँगा यार, सिमरन चीट करूँगा आपको। हाँ मेरी आँखों में देखो प्यार हो जाएगा। मोबाइल नंबर दे, मोबाइल नंबर दे। क्यों मना कर रही हो? तो क्या क्या बताओ, मना कर? नहीं नहीं, पहले आप मुझे बताओ। अरे नहीं करूंगा, हाँ हाँ तुम्हारे सिर की कसम यार, बोल ले बोल, इसमें क्या मेरे सिर की कसम थी? हूं चीट नहीं करूंगा यार, तुम्हारी खा रहा हूं बस। हां दीदी, अभी तक मांगी नहीं है, आप कैसे नंबर मांग रहे हो? दीदी 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 शादीशुदा दीदी, वो नहीं चाहती तुम्हें खुश देख खुश देख के। मेरी भले के लिए बोल रही है ना वो तो यार। चलो आप एक काम करो, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप और किसी लड़की से बात भी नहीं करोगे। मैं आपसे आपसे कर लिया करूंगा कभी कभी। हाँ ठीक है, मुझसे कर लेना, लेकिन किसी और से नहीं। हाँ ठीक है, आपसे। हाँ मतलब अब घर में सिमट के रह जाएगा सारा प्यार। हाँ बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। लेकिन लेकिन मैं तो उसकी बड़ी सिस्टर होने के नाते आपसे बात करूँ तो फिर। हाँ कोई बात नहीं, मैं बड़ी साली होने के नाते बात कर लूँगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। यार देख शर्मा रही है, घबरा रही है, इतनी क्यों घबरा रही है ये? देखो लाइफ में सब कुछ जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, प्यार आपसे कर लूँगा, कहीं और नहीं धक्के खाऊंगा यार, आप नहीं चाहते। हाँ लेकिन आप इतनी डेयरिंग कहाँ से लेके आते हो? आप अचानक से आते हो, हमें जानते भी नहीं, और आपको हम दोनों से प्यार हो जाता है? प्यार नहीं हुआ मैडम, मत प्यार, देखो प्यार कई प्रकार का प्यार होता है। एक तो नॉर्मल फ्रेंड वाला प्यार, एक हस्बैंड वाइफ वाला प्यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार। आपको ये प्यार फिर नहीं होगा? हाँ और से हमारे यहाँ से जाने के बाद आप दूसरी किसी लड़की को सेम चीज बोलोगे तो हम क्या? ये मैं क्यों बोलूंगा यार, मैं चाहता हूँ मेरे को यार क्यों नहीं बोलूँ, क्योंकि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगे, फिर मैं बन जाऊंगा एक क्या बोलते हो, हाँ उस रिलेशन में आ जाऊंगा, फिर आप मेरे को कंट्रोल नहीं करोगे, रिमोट से चलाओ नहीं क्या, जैसे बोलोगे वैसे करूंगा अभी तो मैं। गर्लफ्रेंड ऐसे तो करती हैं, ऐसे नहीं करती क्या? कि कहाँ हो चुपचाप आ जा यहाँ पे, नहीं तो मैं शाम को नहीं मिलूंगी तेरे को, ना ब्लॉक कर दूंगी, बात मत करना, फिर तू नाराज भी तो होगी, फिर तेरे को मनाऊंगा। मेरे पास टाइम कहाँ बचेगा यार इतना, कहीं लड़कियों के पास जाऊँगा बात करूँगा, इतना टाइम नहीं बचेगा मेरे पास, मैं बिजी हो जाऊँगा यार। फिर वो बोलूँगा आपने खाना खाया, फिर बोलोगे आप नहीं खाया, मुझे नहीं खाना, नहीं जाओ तुम बाहर ही जाओ, बाहर ही रहो, मेरे से बात मत, फिर पता नहीं क्या क्या बातें करोगे यार आप, समझो बात, इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास। क्या दो ना, क्या ना मतलब कर दूसरे इसको यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, आ जाओ आ जाओ। हाँ अपने घर, कौन सा घर पकड़, हाँ कौन सा घर, अरे हम अपनी दुनिया बसाएंगे। अभी सिर्फ नंबर नहीं आए, अभी लेके जाने की परमिशन नहीं दे रही हूँ मैं। यार ऐसे मत बोलो यार, देख हवाई जहाज जा रहा है, वेट करेगा मेरा एयरपोर्ट पे। हाँ लेकिन एक लड़की को ले जाने के लिए उसके लिए सर शादी करनी जरूरी होती है ना। यार ऐसे क्यों बोल रहे हो आजकल, नहीं अपने पेरेंट्स से मिलवाइए, बात बात कीजिए। अभी मैंने मोबाइल नंबर ले तो लिया, बात तो हो गई हमारी। लड़की ले जाने की परमिशन थोड़ी दी, आपको नंबर दिया मैंने यार। मतलब आप समझ, आप ना समझ पा रहे क्या मेरी फीलिंग? हम ना समझ रहे हो, लेकिन आपको लड़की को लेके कहाँ जाना है? क्या मुझे अपने घर ले जाना है यार, मेरी गर्लफ्रेंड हो गई है। क्यों गर्लफ्रेंड हो गई है तो मतलब बाहर कहीं कॉफी पिलाने लेके जाओ, घर पे क्यों लेके जाओ? मैं घर पे खाना खिलाऊंगा, मैं घर पे चेक करूंगा खाना बनाना आता नहीं आता। यार ऐसे मत बोलो यार, दिल मत तोड़ो यार, आप ऐसे मेरी बहन को लेके घर पे, घर पे चलेंगे, घर पे खाना बनाना आराम से, देखा आप थोड़ा दूर होके पत्ते यार, मैं यार यार क्यों मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो यार? अरे हर चीज का रूल्स और रेगुलेशन होता है, गर्लफ्रेंड का क्या रूल है? बनी है लेकिन ये थोड़ी कि आप उसको घर लेके जाएंगे। यार मुझे नहीं पता, मुझे पसंद आ गई है। अभी पहले आप उसको डेट तो करो। डेट कैसे करते हैं? डेट कॉफी पी लो, लो ये कॉफी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लो, ये पी लो फिर। हां तो अभी टाइम है ना, अभी हम जाएंगे, अब फिर कभी फोन पे बात करके डेट लेना, मतलब क्या मतलब, पहले टाइम लूँ, अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा, तुम भी ध्यान रखना, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। अरे 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 यार यार ऐसे मत बोलो यार, क्यों कर रहे हो आप तो, चुप कर
प्रैंक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे कैमरा लगा कैमरा लगा रखा हूँ मुझे प्लीज हाँ प्लीज से हाय सॉरी यार मजाक कर रहा था काफी अच्छे काफी क्यूट है मुझे तो लगा सच में मेरी बहन के लिए रिश्ता सॉरी यार ये तब मजाक कर रहा था यार सीरियस मत लेना हाँ कोई दिक्कत नहीं मोबाइल नंबर ले बात कर लेंगे टेंशन ना ले पागल देख सब कुछ जरूरी लाइफ में कुछ नहीं है सुनो ये वीडियो अपलोड करूंगा मैं सोशल मीडिया पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना वैसे मेरा पसंद जाना नाम से यूट्यूब चैनल बहुत सारे मिले लड़के बहुत क्यूट है यार ओके का क्या मतलब मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ यार थैंक्स थैंक्स बोलो यार आई लव यू टू बोलो यार कुछ ऐसा बोलो यार जिससे मेरा दिल बल्ले बल्ले हो जाए काफी अच्छे सच में आप ही काफी क्यूट चलो बाय हाँ नाइस बाय नाइस टू यू ये बैग कहाँ मैडम बैग हो हेलो इतना एक्साइटमेंट भूल गए थे हेलो दोस्तों वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन और हाँ यार खुश रहो कुछ लेकिन जाना यहाँ से सब कुछ मोम आया हंसते रहो देखते रहो फ्रेंड्स बाय।